हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्लास नेक की कटिंग करना बताऊंगी कि ग्लास नेक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैंने हाफ न्यूज़पेपर लिया है, आपने भी हाफ न्यूज़पेपर लेना है। उससे ऐसे डबल फोल्ड कर लेना बराबर तरीके से। ठीक है, ये आपको बराबर ही आना चाहिए। आप क्या करेंगे, जो बंद वाली साइड होती है उसी के टाइम उसी पर ही ड्राफ्ट बनता है। ठीक है, तो आप उस पर ड्राफ्ट बनाओगे। पहले मैं ऊपर से सीधा कर लेती हूँ, अब बनाएंगे ड्राफ्ट। ठीक है, तो मैं अपना, तो मैं यहाँ पे जैसे नेक की चौड़ाई ले रही हूँ 3 इंचेस। ठीक है, तो आप नेक की चौड़ाई 3 इंचेस भी ले सकते हो, 2.5 इंच भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। 3 इंचेस लेना है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ मैं, सॉरी इसकी जो लेंथ ले रही हूँ मैं 6 इंच ले रही हूँ, 6.5 इंच। ये अपने कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि मैंने लेंथ यहाँ पे ले ली 6.5 इंचेस, आधा इंच एक्स्ट्रा लूंगी, ऊपर सिलाई में जाएगा, यहाँ पे सिलाई में दबता है ना, तो आधा इंच आपने भी यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद आप यहाँ से जितना आपने यहाँ लिया उतना ही नीचे लेंगे 3 इंचेस। और आपने इसके ऐसे सीधी लाइन डालनी है, एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए, मैंने एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, एक बॉक्स बना दिया। अब इसके अंदर एक ग्लास नेक बनाएंगे, तो ग्लास नेक किस तरीके से बनेगा वो बता देती हूँ। आपने क्या करना है, एक आधा इंच इतना, कितना आधा इंच इतना, इतना इस पे निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहां से एक सीधी लाइन तिरछी लाइन डाल देंगे, ये ऐसे तिरछी लाइन डाल दी आपने, यानी कि आधा इंच लेना है ऊपर से और ऐसे तिरछी लाइन डाल देनी है। और एक एक इंच आपने बाहर के लिए लेना है, आप चाहो तो 1 इंच ले लो या आधा इंच ले लो, तो मैं यहाँ पे आधा इंच ले रही हूँ। ठीक है, आप बिगिनर से तो आप 1.5 इंच ही लेना, तो आधे इंच पे ऐसे करके मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब इसको भी जैसे आपने ऊपर शेप दिया है ना, इसको भी सेम ऐसे ही शेप देंगे। तो यहां से भी आपने निशान लगाना है, लगा दिया। अब यहाँ पे भी आधे इंच की शेप थी, तो यहां से भी आधे इंच की शेप देंगे। थोड़ा सेट था। ठीक है, अब आधे इंच तक मैंने बाहर ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, पहले बाहर वाले की कटिंग करूंगी। अब अंदर वाले की कटिंग करूंगी। आपको बताया था ना कि ऊपर से आधा इंच छोड़ना है, ताकि हमारा शोल्डर जब लगाएंगे तो इधर उधर ना हिले। ठीक है, ये हमारी ग्लास कटिंग बन, ये हो गया है रेडी। देखिए, इस वाली शेप को बोलते हैं ग्लास कटिंग, यानी कि जो ये अंदर की शेप आती है इस, ये ही लगता है, बाकी जब हम कपड़े में काटेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, तो इस वाली शेप को हम बोलते हैं ग्लास कटिंग। ठीक है, अब इसको मैं पेपर पे कटिंग करके बताती हूँ कि पेपर पे कटिंग आप कैसे करेंगे। देखिए, जैसे कि मेरे पास एक पेपर है, तो सबसे पहले आपने इसे डबल फोल्ड करना है। ऐसे डबल बंद साइड कर लिया, जो मेरी बंद वाली साइड है वहीं पर ड्राफ्ट लगेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे गले की जो चौड़ाई है 3 इंच है और इसकी जो लेंथ है 7 इंच है, यानी कि 6.5 है, वैसे आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और 3 इंच उसकी नीचे से भी सेम चौड़ाई लेंगे, जो ऊपर से लिए वही नीचे से लेंगे। अब एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब आधा इंच आपने एक्स्ट्रा लेके चलना जब लेंगे, जब आप अंदर से ड्राफ्ट बना देंगे। तो मैंने कहा था ना कि आधा इंच जितना आपने निशान लगाना है, लगा दिया।
अब आपने यहाँ से तिरछा करना है। अब आधा इंच भी यहाँ से लेंगे और आधा इंच भी आप यहाँ से एक निशान लगा देंगे और आधा इंच यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। अंदर अच्छे से फिनिशिंग से काटना है क्योंकि अंदर की ही शेप लगती है। तो ग्लास शेप बनके रेडी है। देखिए इसको हम बोलते हैं ग्लास शेप, ठीक है। ये होती है ग्लास शेप। वीडियो पसंद आते तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट में हम इसको सूट पे लगाना और ब्लाउज में कैसे बनाते हैं उसमें लगाना सीखेंगे, ठीक है।